अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही वायरल न्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फ्रेंड साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट हैं, लुईस माउंटेनियर। इन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर वो शख्स मर जाएगा जो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएगा, और लोग इसी वजह से वैक्सीनेशन लगवाने से परहेज कर रहे हैं, जबकि कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हकीकत क्या है। असल बात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा जी। तो दोस्तों, दरअसल ये सब कुछ फैलाया जा रहा है झूठ है, ये तमाम खबरें फेक हैं। लुईस माउंटेनियर ने खुद इस बात को झूठ करार देते हुए कहा है कि मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। लोग इनका नाम लेकर ये तमाम र्यूमर्स फैला, जबकि लोग ये फैला रहे हैं कि उन्होंने कहा है, जब उन्होंने ये आके कह दिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो लोग इस चीज़ को फैला बिल्कुल नहीं स्प्रेड करें, वो उसी चीज़ को फैला रहे हैं जो कि फेक है। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी ऐसी बात को बिना जांचे उस पर यकीन ना करें। हमें पॉजिटिव रहना है, वी शुड बी पॉजिटिव। ऐसी खबरें ना फैलाएं जिससे आपका ख़ुद का मुआशरा ख़राब हो। लिहाजा आप लोग कोरोना से तहफ़ के लिए ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएँ, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस बात से आगाह करें, और जल्द अज़ जल्द अपने और अपने घर वालों को वैक्सीन लगवाएँ। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।